शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुलसी, मैं तो सुई के छेद से हाथे निकाल दो, तुम्हारे पास तो पूरी वंशावली है। तुम चिंता मत करो, तुमसे तुलसी धाम कोई नहीं छीन सकता। अभी आगे क्या करना होगा वकील साहब? करना क्या है, इस वकालतनामे पे साइन कर दो, मैं एक लीगल नोटिस भिजवाऊंगा और देखना जिसने तुम्हारा तुलसी धाम कब्जा किया है ना, वो कैसा भागा भागा आता है, ये मैं लिख के देता हूँ। अरे इसमें कुछ वजन तो रखो, नहीं तो ये वकालतनामा हवा में उड़ जाएगा। कुछ वजन? अब नहीं उड़ेगा। वजन मतलब पैसा? कितना? देखो वैसे तो मंदिर में चंदा और वकील की फीस जितनी दो उतनी कम, लेकिन क्योंकि ये भक्ति से जुड़ा मामला है इसलिए तुम सिर्फ 10,000 दे दो। क्या 10,000? वकील साहब इतने पैसे नहीं है हमारे पास। मैं हूं ना, मैं पूरी तैयारी के साथ आया। लोअर साहब ये लीजिए। अब देखना तुम्हारे तुलसी धाम कब्जा करने वाले को कैसे अंदर कराता। तुमने नाम क्या बताया था उसका? त्रिगुण दास सोलंकी। त्रिगुण सोलंकी, वो मथुरा वाले? जी। तुलसी ये तो मेरे से कैसा पाप करवाने जा रही, वो इतने शरीफ इतने सज्जन इंसान है, तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है। अभी तो आप उनकी खाट खड़ी करने वाले थे, त्रिगुण दास का नाम सुन के आपकी खाट खड़ी हो गई। अरे बात ही वैसी है, इतने सज्जन इंसान के खिलाफ मैं तो क्या कोई भी लॉयर केस नहीं लड़ेगा तुम्हारा। ऐसे कैसे केस नहीं लेंगे, आपने फीस ली है हमसे। ये रही आपकी फीस, ये रहा आपका वकालतनामा, आप लोग यहाँ से जाइए और किसी को कहना मत कि मैंने आपका केस लिया था। अरे ऐसे कैसे, कभी नहीं, आपको लीगल नोटिस बनाना ही होगा। बैठो तुलसी, हम आपके ऑफिस से कहीं नहीं जा रहे। कौन सा ऑफिस? ये मेरा ऑफिस नहीं है, जहान है तो जहान है। अरे वकील साहब, अरे वकील साहब, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यावा, पर दृढ़वत श्याम सुंदर जी का टरे न सत्य विचार। पता था आप जरूर आएंगे। क्यों अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं त्रिगुण जी, आपको तो भरोसा ही नहीं था कि मैं पुनः यहाँ आऊंगा। संदेह संदेह फिर से संदेह, आपको लगता था कि मैं तुलसी धाम पे कब्जा नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने किया। आपको लगता था कि आप अपनी जमीन मेरे नाम करने नहीं आएंगे, पर देखिए आप तो आ गए। श्याम सुंदर जी, मृत्यु से भय सबको लगता है, इसीलिए तो आप साइन करने आ गए। मेरे भक्त सोच रहे होंगे कि यदि आज तुलसी धाम त्रिगुण सोलंकी के नाम हो गया तो धर्म हार जाएगा, किंतु सत्य ये नहीं है। सत्य तो ये है कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली, कितना ही बलवान, पर वो मिटने से पूर्व धर्म के समीप जाने का प्रयास अवश्य करता है। यही नियति है, यही संसार का नियम है कि अधर्म अपने आप को सर्वोपरि बनाने के लिए सदैव धर्म से युद्ध करते रहता है, और वो इस युद्ध में ये भूल जाता है कि वह धर्म को ही खींच रहा है, धर्म को ही आकर्षित कर रहा है। जैसे त्रिगुण सोलंकी मेरे परम भक्त श्याम सुंदर दास जी के कर्मों को नकार कर धर्म को ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मृत्यु से आपको भय लगता होगा, मुझे नहीं। मैं यहाँ डर कर नहीं आया हूँ। अच्छा तो बताइए किस लिए आए? मैं इसीलिए साइन करने आया हूँ ताकि आपको ईश्वर का आभास हो, उस सर्वशक्तिमान का आभास हो जिसे आपने चुनौती दी है। त्रिगुण जी, आज तक आपका सामना मुझसे हो रहा था, किंतु आज के पश्चात आपका सामना लड्डू गोपाल से होगा। मतलब अब आपके भगवान के दर्शन मुझे भी होंगे? तब तो मैं भी तर जाऊंगा। बताइए मुझे कहाँ साइन करना है? हाँ सब सब तैयार है। आई मेरा पीछा छोड़। अरे वकील साहब रुक जाइए। बात तो सुन लीजिए हमारी। हाँ त्रिगुण सोलंकी के हाथों मरना नहीं है मुझे,
आप लोग को जहाँ जाना आप लोग जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। अरे ऐसे कैसे पीछा कैसे छोड़ दे हम? और वकालत शुरू करने से पहले न्याय की जो आपने शपथ ली थी उसका क्या? न्याय तो कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के। भागने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ना आप दोनों तरफ से घिर गए। क्या सुंदर जी? अरे अंकल जी, बाबा को अरे अरे रुक। तुलसी हम क्या करेंगे? आखिर वकील थे भी भाग गए। तुम ना बस लड्डू गोपाल पर विश्वास रखो, वो जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे। पर सबसे पहले उस वकील को ढूंढते हैं। हाँ। चलो कथावाचक जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने पुरखों की जमीन आप एकदम सही आदमी के हाथों में दे रहे हैं। मैं तुलसी धाम का पूरा ध्यान रखूंगा। ये लड्डू गोपाल, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि आपके पवित्र धाम को मैं इस अधर्मी के नाम लिख दूं, परंतु अब मेरे जीवन की यही विडंबना है। मेरे सम्मुख अब और कोई मार्ग नहीं भगवान, मेरे इस पाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। सारा पेपर वर्क हो गया है, बस सिर्फ एक साइन बाकी है और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म। यही है धर्म और अधर्म का युद्ध। रावण का अंत कभी ना हुआ होता यदि उसने माता सीता का हरण ना किया होता। कंस का भी विनाश कभी नहीं हुआ होता यदि उसने मुझे अपने महल में आमंत्रित नहीं किया होता। वही स्थिति त्रिगुण सोलंकी की भी है। वह तुलसी धाम को अपने नाम नहीं कर रहा है अपितु अपने मृत्यु का अनुबंध कर रहा है, क्योंकि जब अधर्म धर्म के समीप जाता है तभी से उसका अंत आरम्भ हो जाता है। इसीलिए जो धर्म को मानते हैं उन्हें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी न किसी रूप में सदैव उनके साथ रहता हूँ, जैसे तुलसी के साथ लड्डू गोपाल के रूप में। जान जाते जाते बची आज। इस बात पर खाइए लड्डू। लड्डू तुम कौन? लगता है बचकर भी नहीं बचे आप। अब तक भाई बेटा बिन मौत मारा जाता हूँ तुलसी धाम को बचाने के चक्कर में, त्रिगुण सोलंकी के शिकंजे से मैं फंसते फंसते बचाऊं। संसारिक ज्ञान तो पूरा है आपको, पर आत्मिक ज्ञान से उतना ही दूर। मतलब? मित्राणि धन धान्यानि प्रजानं समतानि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मित्र धन धान्य आदि का संसार में बहुत ऊंचा स्थान है, किंतु जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि का स्थान तो स्वर्ग से भी ऊपर है। ये तो सब ठीक है, लेकिन त्रिगुण सोलंकी के खिलाफ केस लड़के अभी स्वर्ग नहीं जाना है। किसे ढूंढ रहे हैं आप? लगता है वो चले गए, अब मुझे भी चलना चाहिए। तुम अपने कर्तव्य से भटके हुए हो, अब तुम्हें सही मार्ग पर लाना होगा। ये क्या हो गया मुझे? मेरे पैर कहाँ फंस गए? स्वर्ग तो वो जाते हैं जो धर्म का काम करते हैं, और जो धर्म का साथ ना देकर अधर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं। इसका आभास शीघ्र ही हो जाएगा आपको। मतलब? मतलब ये कि धर्मो रक्षो रक्षित। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है, और जब आप अधर्म का साथ देते हैं तो उसकी पीड़ा भी आपको ही भोगनी होती है। चलता हूँ, मेरा लट्टू समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि आज ईश्वर ने स्वयं आकर मुझे मेरा धर्म याद दिलाया है। वो बालक जो कोई भी था, लेकिन वो सच कह रहा था मुझे अपने धर्म से ऊपर उठकर धर्म का पालन करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। प्रभु मैं आपका संकेत समझ गया। प्रभु आज के बाद जो हो जाए
मैं अपने धर्म के रास्ते पर चलूंगा, मैं धर्म के रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटकूंगा। जय लड्डू गोपाल। मैं किसी ना किसी रूप में मनुष्य को उसका धर्म याद दिलाने के लिए अवश्य आता हूँ, किंतु ये उसकी बुद्धि और विवेक पर निर्धारित करता है कि वो क्या स्वीकार करता है, सत्य या असत्य। यदि संसार में हर कोई अपना धर्म समझ ले तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।